हाय, आई एम संजय। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संजय। आज हम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव किस तरह से होता है वह पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक प्रकार का क्वेश्चन होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह से तैयार होते हैं वह हम देखेंगे। यस नो टाइप क्वेश्चंस का दूसरा नाम है वर्बल क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन यह कैसे होते हैं यह समझने के पहले हमें वर्ब के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेनी होगी। तो हम पहले वर्ब के बारे में देखेंगे। इंग्लिश में वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब किसको बोलते हैं? जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होता है। और जो बाकी वर्ब्स है उसको किताब में हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, बी वर्ब, ऐसे अलग अलग नाम है। यह सारे वर्ब्स का कंफ्यूजन हमने पूरा दूर कर दिया है। हमने वर्ब दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है स्पेशल वर्ब, दूसरी कैटेगरी है जनरल वर्ब। जनरल वर्ब के कैटेगरी में हमने मेन वर्ब रखे जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होता है। और दूसरी कैटेगरी जो है वह है स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब के अंडर में मॉडल ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यह सारे वर्ब्स आ गए जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। स्पेशल वर्ब हमने अलग से लर्न कर लेना है। वह क्यों करना चाहिए इसकी भी वजह आपको बता देता हूं। यह स्पेशल वर्ब हमें दो बातों के लिए उपयोगी है। एक तो वाक्य में जब नॉट लगाने का काम रहेगा तब यह स्पेशल वर्ब को ही लगेगा, नॉट अकेला कभी नहीं आएगा। दूसरा काम यह स्पेशल वर्ब का है कि कोई भी वाक्य का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है तो यह स्पेशल वर्ब होना जरूरी है। अभी हम आपको यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये एकदम चुटकियों में आपको समझाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। स्पेशल वर्ब के सिवाय हम यस नो टाइप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो देखो यह एग्जांपल है, दे आर माय फ्रेंड्स। यह सेंटेंस में आपको आर जो है यह स्पेशल वर्ब दिखेगा। इसको यहां से हमने उठाया और डायरेक्ट वाक्य के शुरू में रख दिया। तो जो भी वाक्य में स्पेशल वर्ब दिखेगा उसको स्टार्ट में लाकर अगर रख दिए और आखिरी में अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन तैयार हो जाता। बाकी सारे शब्द एज इट इज आपको लिखना है, यानी आर दे माय फ्रेंड्स। ये हो गया इसका यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका निगेटिव भी बना सकते, आर दे नॉट माई फ्रेंड्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका जो क्वेश्चन बनाना है वह आपको पॉजिटिव सेंस में बनाना है या निगेटिव सेंस में बनाना है। उसमें भी वही है, यह आर हमने यहां लेकर आए, दे सिर्फ यहां पर नॉट अटैच कर दिए। तो आर दे नॉट माई फ्रेंड्स। बाद में यह सेकंड सेंटेंस देखो, He has taken my pen. यह सेंटेंस में has यह स्पेशल वर्ब है। इसको हमने वाक्य के शुरू में रख दिए, बस बाकी कुछ नहीं किया। बाकी सारे शब्द जो है वह as it is लिख दिए और लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। हो गया इसका इस नो टाइप क्वेश्चन। इसको अगर निगेटिव बनाना है क्वेश्चन को तो आप इस तरह से इसको निगेटिव भी बना सकते हो। तो यह एकदम इजी काम है कि स्पेशल वर्ब को वाक्य से उठाकर सीधा वाक्य के स्टार्ट में अगर आप लिख लेते हो तो वाक्य का ऑटोमेटिक यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि हर वाक्य में स्पेशल वर्ब रहता है क्या? तो उसका जवाब है नहीं। फिर अब बात आ गई कि अगर वाक्य में स्पेशल वर्ब नहीं रहा तो उसका यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे तैयार करना, क्योंकि हमने अभी बताया कि स्पेशल वर्ब के सिवा आप यस नो टाइप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए भी हमें
कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे जिसमें स्पेशल वर्ब नहीं है, लेकिन उसका भी हमने यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह से किया है। जब वाक्य में स्पेशल वर्ब नहीं होता तो उस समय सिर्फ दो टेंसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हो सकता है सिंपल पास्ट। इसलिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यह दोनों का स्टडी करना पड़ेगा। यह दो टेंसेस को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंसेस में आपको स्पेशल वर्ब 100% मिलेंगे। तो उसके मैं एक एक एग्जांपल्स आपको यहां बोर्ड पर लेकर बताता हूं कि उसके यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो चलो देखें। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V1 विथ यस और ES आता है, यानी मेन वर्ब का, इसमें स्पेशल वर्ब का नहीं, इसमें जनरल वर्ब का या V1 या V1 विथ यस। और सिंपल पास्ट टेंस में V2 आता है। तो ऐसा जब दिखेगा या वाक्य में आपको कोई स्पेशल वर्ब नहीं दिख रहा है तो आप उस समय अपने राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर पे सिंपल प्रेजेंट जो हमने पढ़े थे वह टेंस का मैं आपको यहां लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वह आप देख लीजिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य का यस नो टाइप क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको डू और डज अपने पास से प्रोवाइड करना पड़ेगा, वह वहां पर नहीं मिलेगा। तो यह सेंटेंस देखो, राजू वर्क्स हार्ड, यहां पर V1 है इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यह सेंटेंस में स्पेशल वर्ब नहीं है। तो देन इसमें किस तरह से होगा, तो जब यहां पर स्पेशल वर्ब नहीं होता तो V1 रहेगा नहीं तो V2 रहेगा। तो यह V1 के लिए हम यूज करते हैं डू या डज, नॉट लगाने के लिए भी और क्वेश्चन बनाने के लिए भी। तो यह डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है, यह आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में सीख लेंगे। तो यहां पर डज राजू वर्क हार्ड, ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया। तो यह राजू सिंगुलर नाउन होने के वजह से सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है, तो इसलिए यहां पर डज लिया। राजू वर्क या वर्क्स का यस निकल गया, अभी आपको लगेगा कि यस कहां गया, तो यस या डज में ट्रांसफर हो गया। ये डू का यस फॉर्म है डज, इसलिए यहां का यस जो है वह इसके साथ ट्रांसफर हुआ, इसलिए इधर का यस निकल गया और यह हार्ड इधर लिख दिया और क्वेश्चन मार्क यहां पर लिख दिया। तो डज राजू वर्क हार्ड, यह क्वेश्चन तैयार हुआ। दूसरा सेंटेंस है ही रोट लेटर, इसका यह जो वर्ब है यह सेकंड फॉर्म है, जब V2 होता है तब सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसका भी लिंक मैं आपको सजेशन बॉक्स में दे रहा हूं, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो यह जो V2 है इसको अगर नॉट लगाना रहा या क्वेश्चन करना रहा तो हम यूज करते हैं डीड का, डीड या डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह V2 का V1 बन जाता है। तो यहां पर ही रोट अ लेटर, यह जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, उसके वजह से हमने यहां पर डीड यूज किया, यह सब्जेक्ट यहां लिख लिया ही, और यह V2 का V1 बनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर डीड है, डू का सेकंड फॉर्म डीड है और इसलिए यह V2 इसमें ट्रांसफर हो गया, बच गया सिर्फ कौन, V1। तो इसलिए यह V2 इसमें आ गया, इसलिए इधर हमने क्या लिखा, V1। तो डीड ही राइट अ लेटर और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दिया। तो इस तरह से इसका यह यस नो टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरा, शी विल ड्रॉ अ पिक्चर, या ऑलरेडी यह मॉडल ऑक्सिलरी आ गया इसलिए इसको यहां पर रख दिया, स्टार्ट में बस इतना रख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया, हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन, विल शी ड्रॉ अ पिक्चर। यानी सबसे बड़ी परेशानी अब यही है
कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस या दो टेंसेस की पढ़ाई अगर ठीक से करके रख दी, डू कहां यूज करना, डज कहां यूज करना और डिड कहां यूज करना, यह अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह यस नो टाइप क्वेश्चन का जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इजी लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।